नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है कातला माछेर रसा। ये एक बंगाली नेम है इस डिश का। कातला माछ जो है वो एक फिश नेम है जो रूहू फिश के प्रजाति का है। जो फिश उसका है नाम कातला माछेर रसा, ये एक रेसिपी का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। पहले हमने फिश को फ्राई कर लिया है मस्टर्ड ऑयल में। पहले मैंने फिश को मैरिनेट किया है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़े से लेमन जूस के साथ। मैंने इसको मैरिनेट करने के बाद करीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख लिया था, जिससे कि लेमन जूस जो है वो एक फिश के जो एक बैड स्मेल होता है उसको दूर करता है। इसलिए मैं लेमन जूस फिश में ज़रूर ऐड करती हूँ। अब हम इसको अच्छे तरीके से फिश को फ्राई कर लेंगे। एकदम लो फ्लेम में फिश को फ्राई करना होता है, नहीं तो फिश जो है वो बिल्कुल जल जाता है। इसलिए हम इसको लो फ्लेम में पहले फिश को फ्राई कर लेंगे। उसी ऑयल में, जिस ऑयल में मैंने फिश को फ्राई किया है उसी ऑयल में मैं 1/2 टीस्पून मैंने जीरा ऐड किया है और 2 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर दिया है और 1 बड़ा साइज का प्याज को मैंने चॉप्ड करके इसमें ऐड कर दिया है। करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। करीबन 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे, जिससे ये प्याज जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। 1 मिनट हो चुका है, हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके मसाले जो है ऐड करते रहेंगे। मसाले जो है बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और बहुत ही जल्दी क्विक ये रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो जाता है। और चावल के साथ ये जो रेसिपी है बहुत ही यमी होता है खाने में। तो हम इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने 1/2 टीस्पून जो है यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। प्याज और ये जो मसाले हैं इनको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही हल्का हम इसमें ऐड करते रहेंगे मसाले को और इसे फ्राई करते रहेंगे। थोड़ा सा हमने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। करके हम मसाले को अच्छे तरीके से प्याज के साथ थोड़ा सा चला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको चलाना नहीं है। कुकिंग प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप करने के लिए हम इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि थोड़े वक्त के लिए कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाए और हम मसाले को अच्छे तरीके से प्याज के साथ भून सके और मसाले जो है वो जले ना। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे मसाले के साथ हाई फ्लेम में। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम में इसको थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि ये जो मसाले हैं इसका जो एक रॉ स्मेल है वो ना आए और टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया सा दे और तेल जो है वो मसाले के साथ बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तब तक हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। एकदम हाई फ्लेम में हमको इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब मैं इसमें सिर्फ 1 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 2 फिश के लिए मैं यहाँ पर रेसिपी जो है वो बना रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च भी ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च जो है वो 1 ही ऐड करूँगी। अगर आपको और ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप उस हिसाब से तीखा जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमने इसमें करीबन 1 कप पानी जो है वो ऐड कर लिया है। जैसे ही पानी में थोड़ा सा उबाल आता है इसमें 2-4 दाने चीनी के ऐड कर देने हैं, जिससे कि टेक्सचर जो है वो बहुत बढ़िया सा आ जाता है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए फिश जो है वो ऐड कर देंगे। ये फिश को हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे ढक के करीबन 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर 7 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाल लिया है और ये जो फिश है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म इसे चावल के साथ परोसिए और खाइए, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी होती है। आज का ये वीडियो बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।